हेलो एवरीवन, अंकुर दिल्ली दिस साइड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था सीए फाउंडेशन जून 2023 के जो भी रेलेवेंट अमेंडमेंट थे एलएलपी में, और एक छोटू सा अमेंडमेंट था कंपनीज एक्ट 2013 में, वो अपन लोगों ने क्या किया था, कल कवर किया था। आज कवर करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर आरटीपी वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वैलिड। अरे कौन सा एग्रीमेंट वैलिड है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ठीक है, क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए हुओ से टू कार सेलिंग रेड कार टू बी। ए के पास दो कार है और ए अपनी रेड वाली कार बी को बेचना चाहता है, राइट। बी सोच रहा है कि वो ब्लैक वाली कार परचेज कर रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नो। वाई? क्योंकि यहां पे क्या है, क्योंकि यहां पे है कंसेंसस एड इडम नहीं है, यानी कि सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। दैट मीन्स ए बेच रहा है बी को अपनी रेड वाली कार, तो बी को भी यही सोचना चाहिए कि उसको रेड वाली कार मिल रही है, बट यहां पे बी सोच रहा है उसको ब्लैक वाला कार मिल रहा है। सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो कंसेंसस एट इडम। क्लियर है? हाँ जी। फिर ए थ्रेटेंड टू सूट बी। ओ माय गॉड, ए ने धमकी दी कि वो बी को क्या कर देगा, सूट कर देगा इफ बी डज नॉट लेंट हिम 2 लाख एंड बी एग्री टू इट। ए सुनना, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो कोअर्जन अप्लाई हो गया ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है बी को कि वो बी को सूट करेगा। किस लिए? अगर बी ने उसको 2 लाख रुपए नहीं दिए तो किसी को भी अपनी जान की परवाह होती है मेरा बच्चे, ठीक है, और बी 2 लाख रुपए देने के लिए अग्री हो गया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कंसेंट लिया गया है वो कोअर्जन अप्लाई करके लिया गया है। कोअर्जन यानी डरा के, धमका के, फिजिकल प्रेशर बना के लिया गया है। इन दैट केस बी बी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। फिर बोलता है ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कुकीन। क्या यार, ये बोल रहा है कि वो बी को अपना घर बेच देगा, बदले में क्या लेगा, 100 kg ऑफ कुकीन। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन है? जी नहीं, यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ड्यू टू विच हमारा सी भी क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? ओके। फिर बोलता है सॉरी, ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर 50,000। बी एग्री टू बाय बाइक। ए ने पूछा बी से, अगर तुम मेरा बाइक 50,000 में ले लोगे, क्या तुम मेरा बाइक 50,000 में लोगे? बी ने बोला हाँ, मैं तुम्हारा बाइक 50,000 रुपये में लूंगा। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोअर्शन अप्लाई हुआ है, ना ही आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है, और ना ही कंसेंसस, और कंसेंसस एट इडम है यहाँ पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स अग्री टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट। ए सुनना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? हाँ जी, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट पब्लिशर जो है वही मर गया। बट पब्लिशर जो है सॉरी, पब्लिशर नहीं मरा, एक्स जो है, एक्स अच्छा चलता हूं दुआ में याद रखने वाला सीन टाइप कुछ ऐसा हो गया, यानी कि एक्स का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। इन दैट केस यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। क्लियर है? तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड
वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, किस वजह से, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, मिस्टर हरीज ओज पेमेंट ऑफ 3 बिल टू मिस्टर आशीष ऑन 31 मार्च 2022। पहला पेमेंट है 12,120 रुपया विच वॉज ड्यू इन मई 18, 5,650 रुपया विच वॉज ड्यू इन अगस्त 20, ड्यू इन अगस्त 20, एंड 9,680 रुपया विच वॉज ड्यू इन मई 21। मिस्टर हरीश मेड अ पेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022 एज बिलो विदाउट एनी नोटिस ऑफ हाउ टू अप्रोप्रिएट देम। अब देख, एक चेक मिला 9,680 का और एक चेक मिला 15,000 का। अब एडवाइस दो एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि इसको क्या कंसीडर करेंगे, इस पेमेंट को कैसे कंसीडर करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो लॉ का प्रोविजन क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर जहां पे एक से ज्यादा डेट का पेमेंट करना है, जहां पे एक से ज्यादा डेट का पेमेंट करना है, तो पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ डेटर जो है वो कौन से डेट का पेमेंट कर रहा है, डेटर जो है वो कौन से डेट का पेमेंट कर रहा है। अगर डेटर ने एट द टाइम ऑफ पेमेंट अपोर्शन नहीं किया, अप्रोप्रिएट नहीं किया, अप्रोप्रिएट नहीं किया या फिर अपोर्शन नहीं किया, यानी कि उसने क्लियरली नहीं बताया कि वो कौन से डेट का पेमेंट करने जा रहा है या उसने कौन से डेट का पेमेंट किया है, इन दैट केस इन डिफॉल्ट ऑफ द डेट ऑफ, क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो इलेक्ट करेगा, क्रेडिटर के पास ऑप्शन है इलेक्ट करेगा, यानी कि वो खुद मान लेगा कि मेरे को या तो सबसे पहले वाले का पेमेंट मिला है या फिर दूसरे का पेमेंट मिला है। मतलब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्रेडिटर के ऊपर, कि वो किसको मानेगा कि उसको किस डेट के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हुआ है। क्लियर है? और ये जो डेट का रिकवरी हुआ, यानी कि ये जो डेट का पेमेंट रिसीव हुआ किसको, मिस्टर आशीष को, वो क्या करेगा, डेट के ऑर्डर के टाइम, डेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे जैसे उसने डेट दिया उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस डेब्ट का, डेट का पेमेंट कंसिडर करेगा। अब देखो प्रेजेंट केस में क्या है, मिस्टर हरीश ने दो पेमेंट किया, एक 9,680 का और एक 15,000 रुपए का, दो चेक दिया उसने, ठीक है। एक चेक जो है वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट है जो कि पेमेंट ड्यू था मई 2021 में जो पेमेंट ड्यू था वो तो एग्जैक्ट अमाउंट है, यानी कि आशीष जो है वो मान लेगा कि ये उसी डेट का पेमेंट है। क्लियर है? ओके। बट यहां पे मिस्टर हरीश ने अप्रोप्रिएट नहीं किया कि वो एग्जैक्टली किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है, हेंस इन दैट केस माना जाएगा कि 9,680 एग्जैक्ट उसी का पेमेंट है, एंड 15,000 के केस में, एंड इन द केस ऑफ 15,000, एंड इन द केस ऑफ 15,000 चेक ऑफ 15,000 कैन बी अप्रोप्रिएटेड, इसको अप्रोप्रिएट करेंगे, इज द लॉफुल डेट विच इज ड्यू ऑन दैट सेम एज टाइम बार्ड। ये जो 15,000 का डेट है उसको क्या करेंगे, टाइम बार्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेटल करेंगे, ठीक। तो अब सेटल कैसे करेंगे, एक कौन सा पेमेंट है, एक पेमेंट है अगस्त 2020 का 5,650 का और दूसरा पेमेंट है मई 2018 का 12,120 का, ठीक है, जो कि अगस्त में ड्यू हो रहा था। तो मिस्टर आशीष को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर आशीष को क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा कि 12,120 रुपया वो जो टाइम बार था मई 2018 वाला, 15,000 में से पहले उसको डिडक्ट करेगा और बैलेंस जो बचा उसके पास 3,000 उससे इसको सेट ऑफ करेगा। क्लियर है? बैलेंस को एडजस्ट करेगा 5,650 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, तो इसमें क्या हुआ, मिस्टर हरीश सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, ये जो 9,680 का पेमेंट था वो तो एग्जैक्टली मान लिया जाएगा कि मई 2021 में जो ड्यू था उसके लिए है, और ये जो 15,000 का
चेक मिला है, उसको मानेगा कि पहले वो 12,120 को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, एंड जो बैलेंस बचा अमाउंट, एंड जो अमाउंट बैलेंस बचा उसको 5,600 के साथ क्या करेगा, 5,650 के साथ एडजस्ट करेगा। कौन करेगा भाई, कौन करेगा? मिस्टर आशीष। थर्ड क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम मुंद्रा वॉज अ बिग बिजनेसमैन हैविंग वन सन एंड वन मैरिड डाउटर, ठीक है। ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज हाउस टू हिज डाउटर, यानी कि मुंद्रा ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो जो घर है अपनी बेटी को गिफ्ट करेगा। फॉर द पर्पस ही कॉल्ड ए लॉयर एट हिज हाउस एंड मेड अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट। द लॉयर एडवाइज्ड हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड, यानी कि लॉयर ने क्या एडवाइस किया कि आप ये जो घर गिफ्ट करना चाहते हैं इसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करिए, यानी आपने डॉक्यूमेंट तो प्रिपेयर कर लिया बट इस डॉक्यूमेंट को क्या करिए, प्रॉपरली रजिस्टर्ड करिए, यानी ये कहाँ होता है, ये स्टार ऑफिस में होता है, ठीक है। वो दोनों लोग जाने लगे कहाँ, गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द मेट विद एन एक्सीडेंट एंड बोथ डाइज, यानी कि वकील साहब भी चल बसे और श्याम मुंद्रा साहब भी चल बसे। लेटर ऑन द डाउटर फाउंड द डॉक्यूमेंट एंड क्लेम्ड द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, बाद में उनकी बेटी को ये डॉक्यूमेंट मिला और उनकी बेटी ने क्लेम किया कि ये घर उनको बिलोंग करता है, उन्होंने क्लेम किया। अब बता, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करिए वेयर शी कैन गेट द हाउस एज अ गिफ्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। देख बेटा, पहली चीज, अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो वो गिफ्ट क्या होना चाहिए, रिटर्न और रजिस्टर्ड। गिफ्ट कर रहे हो तो गिफ्ट क्या होना चाहिए, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। यहाँ पे गिफ्ट रिटर्न था, यानी कि उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन तो कर लिया था, बट यहाँ पे क्या रजिस्ट्री हुई थी, रजिस्ट्री नहीं हुई थी। सो दैट ये जो घर है मिस्टर श्याम मुद्रा की बेटी क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है, क्लेम नहीं कर सकती। देख, कंसिडरेशन का एक्सेप्शन पड़ा होगा कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, पढ़ा है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में तो है बट क्या ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। एंड यहाँ पे क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, हाँ जी नेचुरल लव एंड अफेक्शन है क्योंकि दोनों पार्टी नियर रिलेशन में थे, बाप बेटे का रिलेशन था। नेचुरल लव एंड अफेक्शन जरूर नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, क्लियर है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन बाप बेटे के बीच में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, बाप बेटी के बीच में हो सकता है, ठीक है, हाँ जी। ओके, देखो क्या बोलता है, और रिटेन रजिस्टर एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन रियल रिलेशन टू ईच अदर इज इनफोर्सिबल इवन विदाउट कंसिडरेशन, ये लॉ का प्रोविजन है, हाँ जी सर, ये लॉ का प्रोविजन है। बट क्या यहाँ पे घर की रजिस्ट्री हुई थी, घर की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, सो दैट मिस्टर श्याम मुद्रा की बेटी घर क्लेम नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, क्लियर है, हाँ जी सर, आगे बढ़े। हाँ देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकुंद जो है वो अपना कार बेचना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने बेटे पार्थ को अपॉइंट किया, जो कि उनका बेटा क्या है, माइनर है, जो कि उनका बेटा क्या है, माइनर है, और उनको उन्होंने एजेंट अपॉइंट किया है। मिस्टर मुकुंद ने इंस्ट्रक्ट किया पार्थ को कि कार जो है वो 2 लाख रुपए से कम में नहीं बिकनी चाहिए, कार जो है वो 2 लाख रुपए से कम में नहीं बिकनी चाहिए। पार्थ ने मिस्टर मुकुंद के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया और वो नमन को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब एक्सप्लेन करो लीगल प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि क्या मिस्टर मुकुंद जो है वो 50,000 का लॉस रिकवर कर सकता है पार्ट से और मुकुंद रिकवर कर सकता है कार नमन से। अब एक बात बताओ, क्या माइनर के पास कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, नहीं। और माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, यानी इलीगल फ्रॉम द बिगिनिंग, क्लियर है। लेकिन
लेकिन बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। यहाँ पे तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो गया, इसके लिए वो अपने प्रिंसिपल को लायबल नहीं कर सकता। इन द इंस्टेंट बोलता है क्या, मुकुंद ने जो अपॉइंट किया था पार्थ को कार बेचने के लिए एज अ एजेंट, इंस्ट्रक्शन दे के कि कार को 2 लाख से नीचे में नहीं बेचना है, लेकिन कार ने सॉरी लेकिन पार्थ ने कार को बेच दिया 1.5 लाख रुपए में। अब देखो अपना ए प्रोविजन क्या है कि नहीं हो सकता, माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वर्ड अपन इश्यू होता है। लेकिन अब देखो क्या मिस्टर मुकुंद रिकवर कर सकता है लॉस 50,000 वाला किससे, मिस्टर पार्थ से? नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्टर पार्थ जो है वो लायबल नहीं है अपने प्रिंसिपल मिस्टर पार्थ जो है वो क्या है, ही विल नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। प्रिंसिपल के काम के लिए, एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। हेंस इन दैट केस पार्थ से मिस्टर मुकुंद 50,000 रुपये रिकवर नहीं कर सकते। दूसरा है, क्या कार रिकवर कर सकता है नमन से? नहीं, कार भी रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने पार्थ ने एज अ एजेंट की कैपेसिटी में अपना कार मिस्टर मुकुंद का कार बेचा था। क्लियर? हाँ जी सर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 5 5 5 5, क्वेश्चन नंबर 5 5 5। ओके, क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर मुकेश है वो ग्रोसरी स्टोर चलाता है दिल्ली में, उसने अपना ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस जो है वो इंक्लूडिंग गुडविल 1 लाख रुपए का था, उसने रोहित को बेच दिया 5 लाख रुपए में। आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित मेड एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मुकेश। रोहित ने क्या किया, मुकेश के साथ एग्रीमेंट किया कि मुकेश जो है वो कैन नॉट ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर इन द होल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्या ऐसा प्रोविजन था कि अगर एक इंसान अपना बिजनेस बेचते और गुडविल बेचते तो क्या ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है परचेजर की आप सेम बिजनेस उस लोकैलिटी में कुछ दिनों के लिए नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आगे देखिए, हाउवर मुकेश ने क्या किया, सेम सिटी में 2 महीने के बाद वही सेम दुकान ओपन कर दिया। व्हाट आर द राइट अवेलेबल टू मिस्टर रोहित रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन मुकेश विद द रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? बोलता है मिस्टर मुकेश के पास क्या राइट है मेरे बच्चे, मिस्टर मुकेश के पास क्या राइट है? तो सुनो, क्या एग्रीमेंट इन द स्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, एग्रीमेंट इन द स्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर सकते हैं। क्यों अलाउड है? सेम तरह का बिजनेस आपने मान लो किसी से परचेज किया, ठीक है, और सामने वाले को आप कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर रहे हो कि सेम काइंड सेम नेचर का बिजनेस वो कुछ दिनों के लिए उस एरिया में नहीं करे, क्या ये वैलिड है, क्या ये अलाउड है? हाँ जी, ये अलाउड है। बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग अ लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्या अलाउड है? अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है? नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। हाउवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। देखो, किसी को सेम नेचर के बिजनेस को करने के लिए तुम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वन ऑफ द स्टेट्यूटरी एक्सेप्शंस इंक्लूड सेल ऑफ गुडविल, उसमें से एक एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। अब देखो, द रिस्ट्रेन इन सेल ऑफ गुडविल वुड बी वैलिड रिस्ट्रेन प्रोवाइडेड। देखो, ये जो रिस्ट्रेंट हुआ है गुडविल को सेल करके वो वैलिड रिस्ट्रेंट कब माना जाएगा, जब वेयर रिस्ट्रेंट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस को करने के लिए रोकने के लिए, ठीक है। वेयर रिस्ट्रेंट शुड बी विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। हाँ भैया, अब स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में आप वो काम नहीं कर सकते। एक और होता है, रिस्ट्रेंट शुड नॉट कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस आफ्टर सेल ऑफ गुडविल टू द बायर फॉर द प्राइस, ठीक है। यानी सिमिलर बिजनेस के लिए आप रोक सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल
और रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर एज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। सुन, रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए और रीजनेबलनेस क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिसाइड करेगी। क्लियर है? हाँ जी। इन दैट केस मुकेश हैज सोल्ड हिज क्या किया गुडविल एंड देयर इज रिस्ट्रेंट फॉर नॉट कैरिंग द सेम बिजनेस ऑफ ग्रोसरी स्टोर। मुकेश ने तो अपना गुडविल बेच दिया और उसको क्या मिला? उसको मिला ये कि आप सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक होल ऑफ इंडिया में गधा। अब देखो, और ये रिस्ट्रिक्शन कितने दिनों के लिए इंपोज हुआ मिस्टर मुकेश के ऊपर? 10 सालों के लिए। द रिस्ट्रिक्शन ऑन रिस्ट्रेंट टू सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड शुड बी रीजनेबल फॉर मेक इट अ वैलिड एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। हेंस रोहित जो है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो है वो अनरीजनेबल है एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हेंस एग्रीमेंट मेड बिटवीन द रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बिटवीन द मुकेश एंड रोहित इज वॉइड एग्रीमेंट, ये वॉइड माना जाएगा। क्लियर? हाँ जी। अब देख, क्वेश्चन नंबर 6। ही लेफ्ट हिज कैरेज ऑन डी प्रेमाइसेस। लैंडलॉर्ड ऑफ डी सीज द कैरेज अगेंस्ट द रेंट ड्यू फ्रॉम डी। पी पेड द रेंट एंड गोज हिज कैरेज रिलीज। ठीक है, कैन पी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी? बोलता है कि पी ने अपना कुछ सामान डी के प्रेमाइसेस पर रख दिया और डी का जो लैंडलॉर्ड था उसने पी के सामान को सीज कर दिया इस वजह से कि डी ने रेंट नहीं दिया है। अब एक बात बताओ, पी ने रेंट पे किया और अपने कैरेज को रिलीज किया, क्या पी रिकवर कर सकता है अमाउंट डी से? क्या? हाँ जी, रिकवर कर सकता है। देखो बोलता क्या है, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी व्हिच अनदर पर्सन इज बाउंड बाय द लॉ टू पे एंड हु देयर ऑफ पे इट इज एंटाइटेड टू गेट इज रिम्बर्समेंट बाय द अदर्स। ए सुनना, पैसे तेरे को देने थे, तुम्हारे बदले में मैंने पैसे दे दिए। डी के बदले पैसे किसने दिया? डी के बदले पैसा दिया पी ने। डी के पास राइट है डी से पैसे रिकवर करने का। ठीक है, डी के पास राइट है पैसे रिकवर करने का। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। अभियुक्त परचेज 100 केजी ऑफ वीट फ्रॉम भास्कर एट द रेट ऑफ 30। सेल ऑफ गुड एक्ट का क्वेश्चन है। भास्कर से वीट इज इन हिज वेयर हाउस इन द कस्टडी ऑफ किशोर, और किशोर क्या है? वेयर हाउस का कीपर है। किशोर ने कंफर्म किया अभियुक्त को दैट ही कैन टेक द डिलीवरी ऑफ वीट फ्रॉम हिम एंड टिल देन ही इज होल्डिंग वीट ऑन द अभियुक्त बिहाफ। बिफोर अभियुक्त पिक्स द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, द होल वेट इन द वेयर हाउस हैज फ्लोड इन द फ्लड, बाढ़ में बह गया वीट भी, गेहूं भी और उसकी भावनाएं भी, क्योंकि भैया अभियुक्त ने 100 केजी के अगेंस्ट में 33,000 रुपए दिए थे। अब क्या होगा? अब अभियुक्त तो बोलता है कि मेरे को पैसे चाहिए वापस क्योंकि डिलीवरी नहीं हुआ था सेलर के साइड से। क्या अभियुक्त राइट है एज पर सेल ऑफ गुड एक्ट? क्या अभियुक्त राइट है? तो बेटा याद करो, याद करो, सेल ऑफ गुड एक्ट में याद करो, सेल ऑफ गुड एक्ट में डिलीवरी कितने तरह का होता था? डिलीवरी भैया 3 तरह की होती थी। पहला होता था एक्चुअल डिलीवरी, यानी सामान की डिलीवरी हो गई। दूसरा होता था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कि टोकन मनी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता था? अभी भी पोजीशन में उसके है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जैसे कि आपने अपनी कार की चाबी किसी को दे दी पार्क करने के लिए। कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक क्या है? सिंबॉलिक होता था कि आपने कुछ टोकन मनी दे दिया। क्लियर है? आपने कुछ टोकन मनी दे दिया। अब देखो बोलता है कि 3 मोड होते हैं डिलीवरी के, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। व्हेन द डिलीवरी इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। सुनना, ऐसा डिलीवरी जिसमें कस्टडी
में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और एक्चुअल पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है सामान के, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यानी कि मान लिया जाएगा कि वो सामान डिलीवर हो गया, मान लिया जाएगा वो सामान डिलीवर हो गया। अब देखो यहां पे तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, यहां पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है क्योंकि अवित ने बोला था कि मैं डिलीवरी ले लूंगा किसी और से। इन दैट केस अवित के पास राइट नहीं है कि वो क्या कर सके, पैसे रिकवर करेगा किससे, सेलर से। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट। क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक? क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट बोलता है, प्रियांश और प्रियांश ने ऑर्डर किया आयरन विंडो टू एन आयरन मर्चेंट फॉर हिज न्यू हाउस। ठीक है, आयरन मर्चेंट सेंड हिज टेक्नीशियन टू टेक द साइज ऑफ विंडो। क्लियर? द टेक्नीशियन कम एट द साइट एंड टेक द साइज ऑफ द एरिया वेयर द विंडो इज टू बी फिटेड। आफ्टरवर्ड्स एरन मर्चेंट ऑन डिस्कशन विद हिज टेक्नीशियन एंड हिज इंटीमेट प्रियांश दैट कॉस्ट ऑफ द विंडो विल बी 5,000 एंड ही विल टेक 1,000 एज एडवांस। सुनो हुआ क्या, प्रियांश ने एक आयरन मर्चेंट को क्या बोला कि मेरे को लोहे की खिड़की चाहिए अपने नए घर के लिए। तो वो आयरन मर्चेंट ने क्या किया, अपने टेक्नीशियन को भेजा कि जाके विंडो का साइज मेजर करके लाओ। टेक्नीशियन गया प्रियांश के घर पे, उसने साइज मेजर किया। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन ने बताया कि 5,000 रुपए कॉस्ट आएंगे किस चीज के, विंडो के, आयरन विंडो के, और 1,000 रुपए एडवांस देने होंगे। ये किसने बोला, आयरन मर्चेंट ने बोला। प्रियांश ने दे दिया 1,000 रुपए एडवांस में एंड रेस्ट आफ्टर फिटिंग द विंडो। 1,000 रुपए एडवांस में दे दिया और बाकी 4,000 रुपए विंडो फिट होने के बाद देने थे। आफ्टर 3 डेज व्हेन टेक्नीशियन ट्राई टू फिट द विंडो मेड बाय हिम एट द साइट ऑफ प्रियांश, इट वाज नोटिस दैट साइज ऑफ विंडो वाज नॉट प्रॉपर। ओ माय गॉड, क्या टेक्नीशियन बनेगा रे तू, जब तेरे से साइज ही सही से नहीं लिया जा रहा, मेजरमेंट तेरे को आता नहीं और तू टेक्नीशियन बनेगा। और ये 3 दिन बाद पता चला जब वो विंडो फिट करने गया प्रियांश के घर पे, पूरे बाबा ये तो विंडो साइज कुछ और ही है। प्रियांश ने रिक्वेस्ट किया आयरन मर्चेंट को, या तो वो, या तो आप अपना विंडो यहां से लेके जाओ या फिर मेरे को मेरे एडवांस वापस लौटाओ। आयरन मर्चेंट ने रिप्लाई किया, विंडो वाज स्पेसिफिकली मेड फॉर हिज साइट एंड डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड और कैन इट बी यूज्ड फॉर अदर्स। यानी कि आयरन मर्चेंट ने क्या बोला, ये जो विंडो है ये आपके घर के खिड़की के हिसाब से बनाया गया था भैया, और ये अब किसी और के घर में लगेगा भी नहीं। वो पैसे वापस नहीं करेगा। वो पैसे वापस नहीं करेगा और क्या बोलता है कि आप अब 4,000 रुपये मेरे को दो क्योंकि मैंने तो आपके घर में खिड़की लगा दी, चिपका दी, चिपका ले वो फेविकॉल नहीं, चिपका दिया खिड़की। बोलता है कि रीजन बताओ, क्या प्रियांश को एडवांस वापस लेना चाहिए, क्या प्रियांश को एडवांस वापस लेना चाहिए, तो इसका प्रोविजन पड़े, इसका प्रोविजन क्या बोलता है, देयर इज इंप्लाइड कंडीशन कि गुड्स जो है वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी यानी यूज फॉर द फिट फॉर द पर्पस, यानी कि जिस चीज के लिए आपने वो विंडो मंगवाया था वो उस चीज के लिए पूरा फिट होना चाहिए। अगर फिट नहीं होता है तो यहाँ पे तो मर्केंटेबिलिटी ही क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। इन दैट केस प्रियांश के पास राइट है कि वो एडवांस भी वापस ले, एडवांस वापस ले और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, अवॉइड कर दे।
एडवांस वापस ले और कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे। वाई? क्योंकि यहाँ पे गूड्स जो है, विंडो जो है, वो मर्केंटेबल कंडीशन में नहीं है, वो मर्केंटेबल कंडीशन में नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान द ओनर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द इंद्रप्रस्थ मार्ग दिल्ली। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस। ही अपॉइंट मिस्टर रवि अ मर्केंटाइल एजेंट विद द कंडीशन दैट रवि विल नॉट सेल द हाउस एट अ प्राइस नॉट लेस देन 5 करोड़ रुपया। बोला क्या? आयुष्मान अपना घर बेचना चाहता है जो कि क्या है, इंद्रप्रस्थ मार्ग दिल्ली में अवस्थित है, और उसके लिए आयुष्मान ने एक प्रॉपर्टी, एक एजेंट को हायर किया और उस एजेंट का नाम था रवि, और उसको एक इंस्ट्रक्शन दी कि ये जो घर है वो 5 करोड़ से नीचे में नहीं बिकना चाहिए। लेकिन क्या किया आयुष्मान ने, 4 करोड़ रुपए में ही घर को बेच दिया। आयुष्मान ने 4 करोड़ रुपए में ही घर को बेच दिया। किसको? मुदित को। आयुष्मान ने 4 करोड़ रुपए में घर को बेच दिया। किसको? मुदित को। आयुष्मान ने 4 करोड़ रुपए में ही घर किसको बेच दिया? मुदित को। ठीक है, मुदित को बेच दिया। और मुदित ने बाय किया गुड फेथ में। रवि मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी रिसीव फ्रॉम द मुदित। आयुष्मान फाइल ए सूट अगेंस्ट द मुदित टू रिकवर हिज प्रॉपर्टी। डिसाइड विद द रीजन, कैन आयुष्मान डू सो? क्या आयुष्मान साहब ये कर सकते हैं? क्या आयुष्मान साहब ये कर सकते हैं? तो सुन, सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्रोविजन क्या है? सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स वुड पास अ गुड टाइटल टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सुनना, अगर मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा गुड्स को पास किया जाता है, गुड्स को बेचा जाता है, तो बायर को गुड टाइटल रिसीव होगा। कौन से सर्कमस्टांसेस में? अगर गुड्स का पोजीशन या डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर किसके पास है? मर्केंटाइल एजेंट के पास है। इफ द सेल मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट, यानी उसका रोज का काम यही है। एंड थर्ड वन, इफ द बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। सुनना, और क्या किया? बायर ने गुड फेथ में एक्ट किया, बायर ने गुड फेथ में एक्ट किया एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये बिना जाने हुए कि सेलर ने सेल करने की अथॉरिटी नहीं ली है। ऑन द बेसिस ऑफ फेवर अबव इट कैन सेड दैट मर्केंटाइल एजेंट सेल प्रॉपर्टी टू मुदित विदाउट हु बाउट इन गुड फेथ। मुदित ऑब्टेन द गुड टाइटल ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अरे मुदित के पास गुड टाइटल चला गया है उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, हेंस आयुष्मान कैन नॉट रिकवर लॉस फ्रॉम रवि, सॉरी आयुष्मान कैन नॉट रिकवर हाउस फ्रॉम मुदित, बट ही कैन रिकवर लॉस फ्रॉम रवि। यानी कि आयुष्मान को जो लॉस हुआ वो रवि से रिकवर कर सकता है, बट आयुष्मान जो है वो अब मुदित से अपना घर वापस नहीं ले। सर क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। ए एग्री टू सेल अ सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट ऑन द 10 डेज क्रेडिट। सुन, ए ने क्या किया? अब ए अग्री हुआ बी को गुड सेल करेगा, और क्रेडिट कितना देगा? क्रेडिट देगा 10 दिनों का। क्रेडिट कितने दिन होगा? क्रेडिट देगा 10 दिनों का। द पीरियड ऑफ 10 डेज एक्सपायर एंड द गुड विल स्टिल इन द पोजिशन ऑफ ए। 10 दिन एक्सपायर कर गया और अभी भी गुड्स ए के पोजिशन में है। बी हैज नॉट पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स। बी हैज नॉट पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड बी बिकम द इंसॉल्वेंट। ए रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स एक्साइज लियन। ए ने गुड्स को डिलीवर करने से रिफ्यूज कर दिया और उसने राइट ऑफ लियन एक्साइज कर दिया गुड्स के ऊपर। क्या ए गुड्स के ऊपर लियन एक्साइज कर सकता है? तो ऑप्शन, राइट ऑफ लियन एक्साइज कब करते हैं? या तो पूरे पैसे बाकी हो, नहीं तो कुछ पैसे बाकी हो। क्लियर है? हाँ जी सर। लियन इज अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन पोजिशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल द क्लेम ऑफ द पर्सन इन पोजिशन इज सेटिस्फाइड। द अनपेड सेलर हैज राइट ऑफ लियन ओवर द गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। सुन, सेलर के पास राइट है कि वो राइट ऑफ लियन एक्साइज करेगा कब?
अगर सेलर अनपेड है, अगर सेलर अनपेड है, क्या इस केस में सेलर अनपेड है? हाँ जी सर, इस केस में सेलर अनपेड है। अब सुन, राइट ऑफ लियन कब कब एक्सरसाइज करेंगे? वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू द क्रेडिट, जहां पे गुड्स को बेच दिया गया बिना किसी विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट पीरियड एक्सपायर। गुड्स को बेचा गया क्रेडिट पीरियड पे, बट क्रेडिट पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया, क्लियर है, या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया। इन दैट केस सेलर जो है राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। इन दैट केस सेलर जो है राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, किसेस के लिए? पेमेंट के लिए। किसेस के लिए? पेमेंट के लिए। किसेस के लिए? पेमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ओ माय गॉड, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बेटा। एक तो डिफरेंस आएगा या तो एग्रीमेंट एंड, या तो सेल या एग्रीमेंट टू सेल है, या फिर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट या वर्ड वर्ड एग्रीमेंट या वर्ड वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक डिफरेंस आता है। एक बात बता, जल्दी जल्दी से बता डिफरेंस। सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, हाँ जी सर, सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, बट एग्रीमेंट टू सेल में कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेल एग्जीक्यूटेड होता है, बट एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी होता है। रेमेडी ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच होता है तो सेल के केस में क्या होगा? ब्रीच होगा तो प्राइस के लिए स्यू करेगा कौन? सेलर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीड पार्टी प्राइस के लिए नहीं, डैमेज के लिए क्या करेगा? स्यू करेगा, डैमेज के लिए स्यू करेगा। फिर लायबिलिटी क्या होगा? सब्सिक्वेंट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ द बायर। सेल के केस में लायबिलिटी किसकी होगी? बायर की होगी। एग्रीमेंट टू सेल में किसकी होगी? सेलर की होगी। बर्डन ऑफ रिस्क किसके ऊपर होता है? सेल में किसके ऊपर होता है? जिसके पास ओनरशिप। एग्रीमेंट टू सेल में किसके ऊपर होता है? सेलर के ऊपर होता है, क्योंकि वो भी सेल हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, देयर इज नो सेल, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको क्या करने होंगे, मेंशन करने होंगे, जो आपको लिखने होंगे पेपर में, क्लियर है? हाँ जी, सुनो, इतने बड़े क्वेश्चन दरअसल, ये पार्टनरशिप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? मिस राम एंड रमेश वर्किंग एज अ टीचर इन ईश्वर चंद्र विद्यासागर हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड ऑल्सो दे आर अ वेरी गुड फ्रेंड। ओके, दे ज्वाइंटली परचेज अ फ्लैट विच वॉज गिवन ऑन अ रेंट टू मिस्टर जॉन। दोनों ने मिलकर क्या किया? एक फ्लैट परचेज किया जिसको रेंट पे दे दिया मिस्टर जॉन को। इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट दैट द रेंट वुड बी 10,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। रेंट कितना भैया? 10,000 पर मंथ, साथ ही साथ बिजली बिल इंक्लूडेड है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बाय लैंडलॉर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि पे कौन करेगा? लैंडलॉर्ड करेगा। द लैंडलॉर्ड बाय मिस्टेक डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च की। अरे मकान मालिक से गलती हो गई रही, उसने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया मार्च के महीने का। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन ऑफ मिस्टर जॉन एंड ही हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2,800 एंड 200 पेनल्टी, ताकि वो फिर से बिजली यूज कर सके। मिस्टर जॉन ने क्लेम किया 3,000 राम से, बट राम रिप्लाइड, राम ने क्या बोला? कि वो सिर्फ 1,500 रुपए के लिए लायबल है, वो सिर्फ 1,500 के लिए लायबल है। तो मिस्टर जॉन ने क्या बोला कि मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम आर पार्टनर दे रहा हो, ठीक है, क्लेम द फुल अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर। एक्सप्लेन करो कि मिस्टर राम लाइबल है क्या 3,000 रुपए पे करने के लिए जॉन को? तो आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राम और रहीम ने मिलके, एक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक फ्लैट परचेज किया, फ्लैट को मिस्टर जॉन को दे दिया 10,000 रुपए महीने पे, वो इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। हुआ क्या? लैंडलॉर्ड से गलती हो गई और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, तो मिस्टर जॉन को 2,800 रुपए प्लस 200 रुपए पेनल्टी पे करना पड़ा। मिस्टर जॉन ने क्या किया? राम को बोला कि अब आप 3,000 रुपए मेरे को दो। तो मिस्टर राम ने क्या बोला कि मैं सिर्फ 1,500 रुपए देने के लिए लायबल हूँ। लेकिन मिस्टर जॉन ने क्या बोला? वो आपका मैटर है, वो आप आपस में बैठ कर सेटल कर लेना, क्या राम लायबल है 3,000 रुपए देने के लिए? तो अब सुनो, इट इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, देयरफॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट
डिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप वाज मिड, यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप है। हाँ जी, क्या यहाँ पे एग्रीमेंट है बिटवीन ऑल द पर्सन कंसर्न? हाँ जी है, एग्रीमेंट मस्ट, एग्रीमेंट है। पार्टनर्स में क्या होता है? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज के लिए होना चाहिए? कुछ बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए होना चाहिए, कुछ बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए होना चाहिए, और बिजनेस या तो दोनों मिलकर चले या तो दोनों के हाथ में कोई नहीं चला। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है, डिफरेंस है। ये बेसिक क्या है, प्रोविजन है पार्टनरशिप का। ऑन द बेसिस ऑफ द एवर प्रोविजन, द फैक्ट ऑफ द प्रोविजन इन द क्वेश्चन, मिस्टर राम एंड रवि कैन नॉट बी सेड अंडर पार्टनरशिप एज दे आर टीचर इन द स्कूल एंड दे हैव जस्ट परचेज अ फ्लैट ज्वाइंटली। इन दैट केस राम और रहीम पार्टनर नहीं है बेटा, उन्होंने बस ज्वाइंटली मिलकर फ्लैट परचेज किया था। क्या है ये उनका फ्लैट जो परचेज करके रेंट पे लगाया, क्या उनका बिजनेस है? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। उन्हें बस रेंट पे फ्लैट को दिया है, पार्टनरशिप का है वो, बिजनेस कैरियर थोड़ी कर रहे हैं यार। और वो बिजनेस कैरी आउट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट अर्निंग इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी अंडर देयर को ओनरशिप। वो बस रेंट रिसीव कर रहे और कुछ नहीं। एक होता है ना, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो ज्वाइंटली फ्लैट परचेज करके रेंट पे लगाने का काम। हेंस देयर इज अ नो पार्टनरशिप बिटवीन देम। तो राम सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए पे करने के लिए लायबल है, और 1500 रुपए जो जॉन को क्लेम कर रहे हैं वो रहीम से क्लेम करना है उन्हें। राम सही है क्योंकि वो 1500 रुपए ही देगा, बाकी 1500 रुपए रहीम से रिकवर करने हो गए। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, श्याम मोहन केशव आर पार्टनर इन द मेसर्स नंदलाल गोकुल वाले एंड कंपनी। दे म्यूचुअली डिसाइड दैट श्याम विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द गुड्स, मोहन विल डू परचेज ऑफ गुड्स फॉर द फॉर्म एंड केशव विल लुक आफ्टर द अकाउंट्स एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट। यानी तीनों ने अपना अपना काम क्या कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया, कोई एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। वंस व्हेन द श्याम एंड केशव वर आउट ऑफ टाउन, मोहन गॉट द इंफॉर्मेशन दैट द प्राइस ऑफ देयर गुड्स आर गोइंग डाउन शार्पली ड्यू टू सम गवर्नमेंट पॉलिसी विच वुड रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ द फॉर्म If the goods is not sold immediately, hence he tried to contact Shyam, who has the authority to sell the goods. When Mohan could not contact to Shyam, he sold the goods at some reduced price to save the firm from having loss. Thereafter, Shyam and Keshav denied accepting the loss due to the sale of the goods at reduced price, as it is only Shyam who has express authority to sell the goods. Consequence discuss करो। अरे एक बात बताओ, क्या इन द केस ऑफ इमरजेंसी फॉर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई पार्टनर एज अ ऑर्डिनरी प्रूडेंस गुड्स को सेल कर सकता है? हाँ जी सर, सेल कर सकता है। प्रोविजन क्या है? पार्टनर ऑफ द फॉर्म मे बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। पार्टनर चाहे तो अपने पार्टनर चाहे पार्टनर फॉर्म चाहे तो अपने पार्टनर के अथॉरिटी को एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी को, नॉट विद स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन एन एक्ट डन बाय योर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म व्हिच फॉल विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंड द फॉर्म अनलेस द पर्सन विद हुम ही इज डीलिंग नोज द रिस्ट्रिक्शन और डज नॉट नो द बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर। फर्दर अकॉर्डिंग टू इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फॉर्म फॉर लॉस वुड बी डन बाई ए पर्सन इन ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस एंड सच एक्ट बाइंग द फॉर्म। तो एक बात बताओ, इन दैट केस क्या ये सेल फॉर्म के लिए बाइंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन? श्याम वॉज एक्सप्रेसली ऑथोराइज टू सेल द गुड्स, श्याम के पास अथॉरिटी थी कि वो सेल गुड्स को सोल्ड करे। क्यों? क्योंकि श्याम ने एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंस फॉर्म को लॉस से बचाने के लिए गुड्स को सेल किया है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोविजन क्लियर होने चाहिए, प्रोविजन
प्रोविजन क्लियर होगा तुम पार के रख दोगे एग्जाम में, प्रोविजन क्लियर नहीं होगा तो फिर वही होगा, बोलोगे यार मार्क्स नहीं आए, मार्क्स कहाँ से आएंगे। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर प्रोविजन, फर्स्ट यू हैव टू रिकॉल द प्रोविजन एट द टाइम ऑफ राइटिंग एंड द एग्जामिनेशन। आपको प्रोविजन क्लियर होने चाहिए, इंस्टीट्यूट ऐसे मार्क्स नहीं देती है, इंस्टीट्यूट को भी कंटेंट चाहिए होता है, और ऐसे नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कंटेंट बना के दे दिए, इंस्टीट्यूट को वो कंटेंट चाहिए होता है जो कि एक्ट में मेंशन्ड है। आई नो सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट टू द सम एक्सटेंट यू हैव टू रिमेंबर द टेक्निकल कीज पॉइंट। अरे कुछ तो प्रोविजन याद होंगे यार, सीए फाउंडेशन में अभी ऐसे कर रहे हो, सीए इंटर में और सीए फाइनल में क्या करोगे? सीए इंटर का सिलेबस और वास्ट है, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं सेक्शन 1 to 148, फिर अदर लॉस पढ़ रहे हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पढ़ना है, जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ना है, क्या करोगे? फिर तो फैल जाओगे। फिर फाइनल में रस सेक्शन पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट के 149 to 470 ऑनवर्ड्स, क्लियर है? तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फॉर्म, द फॉर्म वाज डिसॉल्वड ऑन 12 जून 2022 बट नो पब्लिक नोटिस वाज गिवन। सुन एक्स और वाई पार्टनर है फॉर्म में, फॉर्म डिसॉल्व हो गया 12 जून 2022 को, लेकिन उसके लिए कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। दे आफ्टर एक्स परचेज सम गुड्स इन द फॉर्म नेम फ्रॉम जेड, जेड वाज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, एक्स बिकम इनसॉल्वेंट एंड जेड जेड फाइल्ड सूट अगेंस्ट वाई फॉर द रिकवरी ऑफ हिज अमाउंट, स्टेट विद द रीजन वाई वुड लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 87, सॉरी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सुनो बोलता क्या है, बाय द वर्चू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन पार्टनर्स एक्ट 1932, नॉट विदस्टैंडिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू द थर्ड पार्टी ऑफ एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म इट डन बिफोर द डिजोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिजोल्यूशन। सुन हुआ क्या, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है तो उसके लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ना एक्स एंड वाई को, हाँ जी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया है, क्या एक्स एंड वाई ने पब्लिक नोटिस दिया? नो, इन दैट केस एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन द फॉर्म व्हिच वाज डिसॉल्व बट नो पब्लिक नोटिस वाज गिवन आफ्टर डिसॉल्यूशन, एक्स परचेज सम गुड्स इन द नेम ऑफ द फॉर्म, एक्स ने परचेज किया गुड्स फॉर्म के नाम पे जेड से, और जेड को इस बात का पता नहीं था कि फॉर्म डिसॉल्व हो गया है, और एक्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, जेड ने फाइल किया सूट किस चीज के लिए? वाई से रिकवरी के लिए। In that case, section Y are continuing liable against the third party even after dissolution of the firm until public notice is given. As in the given problem, X become insolvent and Z को पैसे देने Y को पैसे लौटाने पड़ेंगे Z को, क्यों? क्योंकि Y से, क्योंकि X and Y से गलती क्या हुई? X and Y से गलती हुई है कि X and Y ने firm के dissolution का public notice नहीं दिया, और third party को क्या पता हो गया यार कि आपका firm dissolve हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, क्या हुआ है, जब तक कि अनटिल अनलेस आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट वन, स्टेट द मोड्स बाय विच द पार्टनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द फॉर्म इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन अंडर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हाट इज द राइट ऑफ सच ट्रांसफरिंग। ओके देखो, देखो पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, बट एज पार्टनरशिप रिलेशन इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, द साइनिंग ऑफ द पार्टनर इंटरेस्ट बाय सेल्फ मॉर्गेज और अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट और प्रिविलेज एज ओरिजिनल पार्टनर, ठीक है? बट एज ओरिजिनल पार्टनर तो सारा कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, यानी कुछ तो चीजें, कुछ तो चीजों से वंचित रहोगे, कुछ चीजों से तो वंचित रहोगे, सारा कुछ तो आपको मिलने वाला है नहीं,
द राइट ऑफ ट्रांसफर फॉलो, ट्रांसफरी का राइट क्या होगा? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप द ट्रांसफरी कैन नॉट इंटाइटल टू इंटरफेयर विद द कोर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के कंडक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता ट्रांसफरी, नॉट इंटाइटल टू रिक्वायर अकाउंट्स, अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर्म का चेक नहीं कर सकता, ही इज ऑनली इंटाइटल टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज एग्रीड टू इट बाय द पार्टनर, ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स, यानी कि जो प्रॉफिट मिलता है भैया आप चुपचाप ले लो, आप अकाउंट चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का डिसोल्यूशन में, फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या राइट होगा रिमेनिंग पार्टनर के पास? टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फॉर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वॉज इंटाइटल्ड, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ असेटिंग द शेयर, ही इज इंटाइटल्ड टू अकाउंट्स ऑफ द फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी। नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर इन द फॉर्म विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, कोई भी इंसान पार्टनरशिप फॉर्म में तब तक इंटर नहीं कर सकता जब तक कि सारे पार्टनर का कंसेंट ना हो। अ पार्टनर कैन नॉट बी ट्रांसफर हिज ओन इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेक्स एनी बॉडी एल्स पार्टनर इन हिज प्लेस अनलेस ही द अदर पर्सन एग्री टू एक्सेप्ट दैट द पर्सन एज अ पार्टनर, एट द सेम टाइम द पार्टनर इज नॉट एट डिबार्डिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग इज इंटरेस्ट, यानी कि मना भी नहीं कर सकता वो पार्टनर इन द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग, ठीक है, द पार्टनर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप कैन बी रिगार्डेड एज द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड टेंजिबल प्रॉपर्टी विच कैन बी साइंड, यानी कि उसको जो प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट असाइन हुआ है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्मॉल LLP अंडर LLP एक्ट 2008? बेटा कल के लास्ट वाले वीडियो में मैंने LLP का अमेंडमेंट जो भी था वो मैंने कवर किया था, एंड उसमें मैंने स्मॉल LLP के बारे में बताया था, और स्मॉल LLP का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 3A, और वो क्या बोलता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना नहीं होना चाहिए, 25 लाख रुपए, कम से कम 25 लाख रुपए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 5 करोड़ रुपया, और टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के अकॉर्डिंग 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर अमाउंट है सच अमाउंट हायर प्रिस्क्राइब होता है तो वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाता है तो वो मैक्सिमम कितना होगा 5 करोड़, और टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के अकॉर्डिंग कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब होता है तो वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। ये कल वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, एंड एक पॉइंट और था कि और भी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोविजंस होंगे वो फुलफिल करने होंगे किसको, वो फुलफिल करने होंगे किसको, उसे स्मॉल LLP को। क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो नाउ नेक्स्ट वन, इन द फ्लोर फैंस प्राइवेट लिमिटेड देयर आर ओनली 5 मेंबर्स, ओके, प्राइवेट लिमिटेड है 5 मेंबर है, ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट अ प्लेजर ट्रिप इन टू एन ओपन सी, द बोट कैपसाइज एंड ऑल ऑफ देम डाइड बिलोंग बीइंग ड्रोन्ड, माय गॉड, पांचों के पांचों डूब गए, ऐसे ही केस लॉ था, पांच पार्टनर थे गाड़ी से जा रहे थे, सारे का एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, सारे लोग मर गए। अब एक बात में तो क्वेश्चन ही है, क्या फ्लोर फेंस प्राइवेट लिमिटेड लो नॉन इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस? क्या एक बात बताओ, क्या अरे मेंबर के मर जाने से कंपनी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना एक परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है, ड्यू टू सेपरेट आइडेंटिटी कंपनी बंद नहीं हो सकती। सुन बेटा, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक ही, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से मारा जा सकता है, या तो कंपनी खुद आत्महत्या कर ले, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन कर ले, ठीक है, या तो कंपनी खुद ही क्या कर ले, आत्महत्या, वॉलेंट्री वॉलेंटरली स्वतः खुद से, या फिर
आरओसी क्या कर रहे हैं, या फिर बाय द प्रोसीजर ऑफ रूल पे। सिर्फ दो केसेस में कंपनी क्या होगा, मरेगा, अदरवाइज मेंबर के मरने से कंपनी नहीं मरती। तो ऑप्शन ऑफ प्रोविजन क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी ऑन एन इनकॉर्पोरेशन बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड हैव अ परपेचुअल सक्सेशन व्हिच मींस इवन ऑल द मेंबर ऑफ अ कंपनी डाइड, कंपनी स्टिल इन कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टेंस, इट हैज अ परमानेंट एग्जिस्टेंस, इट हैज अ परमानेंट एग्जिस्टेंस, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फर्दर इट इज करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी और कैन नॉट बी सीओ टू बी सीड, पागल है क्या, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, अरे अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी ले सकती है और वो अपने नाम पे केस भी कर सकती है और उसके नाम पे केस हो सकता है, क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। अरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, एबीसी लिमिटेड वॉज इन टू अ सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड, ठीक है, दिस वॉज अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मेंशन इन द मेमोरेंडम, द कंपनी एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जॉन टू सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क, लेटर ऑन कंपनी रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वीरस विद द रेफरेंस टू द सेम, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस एंड व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी। सुना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, अगर कंपनी अपने औकात के बाहर जाके काम करती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस एक्ट, मतलब तेरे को बनाया किस चीज के लिए गया था और तू काम क्या कर रहा है, तेरे को बनाया किस चीज के लिए गया था और तू काम क्या कर रहा है, यह होता है अल्ट्रा वायरस। मतलब तूने अपने एमओए में लिखा कि हम आयरन रॉड का सेल एंड परचेज करेंगे और तू फिर क्या कर रहा है, फाइनेंस रिलेटेड वर्क मिस्टर जॉन को के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फाइनेंस रिलेटेड वर्क के लिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अल्ट्रा वायरस एक्ट डन बाय द कंपनी, डन बाय द कंपनी। इसके लिए केस लॉ है, इसके लिए केस लॉ है, केस लॉ क्या है, एसबरी कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे, इस केस में भी क्या हुआ था, इन दैट केस आल्सो हुआ क्या था कि कंपनी का पर्पस था रेलवे के लिए इक्विपमेंट बनाना, रेलवे का पर्टिकुलर इक्विपमेंट बनाना, बट कंपनी ने फिर क्या किया, रेलवे ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अबे औकात के बाहर जाके काम करोगे उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस एक्ट ही तो बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलेंगे, क्लियर है? यानी कि कंपनी अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके काम नहीं कर सकती, अगर आपको मेमोरेंडम के बाहर जाके काम करना है तो पहले अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करो, एसआर इंजीन पास कर दो, ठीक है। अब देखो क्योंकि मेमोरेंडम जो होता है कंपनी का वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम जो होता है वो कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, हाँ यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैंने वो क्वेश्चन तो बता दिया कि कंपनी औकात के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट की कंपनी के। सुन, एमओए जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए, ठीक है, इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाई एनी वन, तो अगर कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पहले जाके अगर कोई इंसान कंपनी के साथ डील कर रहा है तो क्या माना जाता है कि उसको कंपनी के पावर के बारे में पता होगा, इन स्पाइट ऑफ इंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन, इन स्पाइट ऑफ इंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन विद द कंपनी व्हिच इज अल्ट्रा वायरस, यू कैन नॉट इन्फोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी, यानी कि आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कंपनी को कि आपने औकात के बाहर जाके काम किया है, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बींग अ वर्ल्ड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाई द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सुन, अल्ट्रा वायरस एक्ट जो होता है वो वर्ल्ड होता है और वो रेटिफाई नहीं होगा, वो रेटिफाई नहीं होगा इवन आफ्टर आपको यूनानिमस कंसेंट क्यों ना मिल जाए अपने शेयर होल्डर से। यूनानिमस कंसेंट का मिलता है, यूनानिमस कंसेंट का मतलब होता है 100% मेजोरिटी क्यों ना मिल जाए, 100% वोट क्यों ना मिल जाए, फिर भी
वो काम अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, वो काम अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। हेंस इन दिस गिवन केस एबीसी लिमिटेड कैन नॉट एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एंड बिकम अल्ट्रा वायरस एंड दस नल एंड वॉइड। यानी कि एबीसी लिमिटेड जो काम कर रही है, एबीसी लिमिटेड ने जो मिस्टर जॉन के साथ फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो अल्ट्रा वायरस है और वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर। नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट बोर्ड कैन टेक लोन अप टू 5 लाख रुपया फॉर कंपनी बाय पासिंग कोर्ट रेजोल्यूशन। इन दैट केस द लोन अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन द जनरल मीटिंग। ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ फंड बोर्ड अप्लाई फॉर लोन इन अ रेपुडिएटेड बैंक फॉर 10 लाख विदाउट पासिंग एनी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। बोर्ड गिवन अंडरटेकिंग टू बैंक दैट स्पेशल रेजोल्यूशन हैव बीन पास्ड फॉर सच लोन। द बैंक ऑन द बिलीविंग ऑन सच अंडरटेकिंग लेंड बाय द मनी ऑन डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन कंपनी डिनाइड टू रीपेमेंट दैट इज इट इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी काइंडली एडवाइस। वाह, ये भी एक केस लगा बेटा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। इसमें क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू द इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पर्सन डीलिंग विद द कंपनी आर प्रिज्यूम टू हैव रीड द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एंड सी दैट ऑल द पर्पस डीलिंग इज नॉट इनकंसिस्टेंट देयर विद बट दे आर नॉट बाउंड टू डू मोर। They need not to require into the regularity of internal proceeding as required by the memorandum article. This was a doctrine. This was also decided in the Royal British Bank versus Turquand. एक बात बता, क्या बैंक के पास इतना फुर्सत है क्या कि वो पता करने जाएगा कि कंपनी का इंटरनल मैटर क्या चल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, ये राइट देता है कंपनी। बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी का जो भी अफेयर्स है वो मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है, वो डायरेक्टर के और ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, ना कि आउटसाइडर के द्वारा किया जा रहा है। राइट? ये लीगल प्रिंसिपल है इंडिया में। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो निगेटिव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो निगेटिव कंस्ट्रक्शन है ना, निगेटिव प्रोविजन है ना। ये तो बाहर वालों को नहीं जाने दे रहा है कि कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग क्या चल रहा है। तो इसके लिए क्या आया था एक्सेप्शन? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड में भी क्या हुआ था? यही डिसाइड हुआ था कि आउटसाइडर को थोड़ी पता होगा यार कि कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग का रेगुलरिटी मतलब सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दिस इंस्टेंट एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द रेपुडिएटेड बैंक ऑफ 10 लाख बाय पासिंग रेजोल्यूशन व्हाइल रेजोल्यूशन SR is necessary for such amount. बोर्ड ने क्या बोला था? झूठ बोला था कि हाँ SR पास हो गया है, जिसके अगेंस्ट में बैंक ने क्या किया था, लोन दे दिया था किसको, जिसके अगेंस्ट में बैंक ने लोन दे दिया था कंपनी को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बैंक क्लेम कर सकती है अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम द कंपनी। द बैंक कैन बिलीव ऑन द अंडरटेकिंग गिवन बाय द बोर्ड एंड नॉट नीड टू इंक्वायर फर्दर। बोर्ड को घंटा नहीं फर्क पड़ता ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट वन।
एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एज पर कंपनीज एक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी कितने तरह का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी कितने तरह का होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी होल्डिंग होगा और सब्सिडरी होगा, एसोसिएट होगा. होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, ठीक है. एसोसिएट कंपनी क्या होता है? एसोसिएट कंपनी मींस, ये सेक्शन 2 क्लॉज 6 में लिखा हुआ है. और एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है? मींस अ कंपनी एन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. सुनना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मोर देन 20% ऑफ पीयूएससी बट अब शेयर का पट. अब सुन, होल्डिंग कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू विच टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी. मतलब क्या? होल्डिंग कंपनी को डिफाइन नहीं किया गया कंपनीज एक्ट में, बट सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया. सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन क्या किया गया कि जिसका कंट्रोल, बोर्ड का कॉम्पोजिशन का कंट्रोल कौन संभालता है? होल्डिंग कंपनी संभालता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बोलते हैं. एंड वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है? या तो होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी के साथ मिलके, या फिर होल्डिंग कंपनी अकेले, या फिर अपने सब्सिडरी के साथ मिलके होल्ड कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी. क्लियर है? क्लियर है? और हाँ, होल्डिंग कंपनी का दो से ज्यादा लेयर नहीं हो सकता. होल्डिंग कंपनी का दो से ज्यादा लेयर नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है लेयर के ऊपर. क्लियर है? हाँ जी. तो यहां पे होता है आपका आरटीपी खत्म. तो हमने आरटीपी कर लिया खत्म. अब आपका दायित्व बनता है कि आपका दायित्व बनता है कि आप पढ़ेंगे, प्रोविजन को अच्छे से करेंगे और एग्जाम देंगे, राइट? ओके गाइस, एक काम करूंगा, मैं एमटीपी भी लेके आऊंगा. मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपके साथ एमटीपी भी आपको मैं करवा दूँ. देखते हैं एमटीपी कब करवाता हूँ, बट अभी जो आरटीपी करवाया है उसको कंप्लीट करो. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. हेलो गाइस.